हेलो मासेस, दिस इज सलोनी फ्रॉम एडसेकंड इंटरनेशनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज लेके आई हूँ। एक्चुअली दोज पीपल और दोज स्टूडेंट्स हु वांट्स टू माइग्रेट टू कनाडा, जो कनाडा जाना चाहते हैं बट ड्यू टू दिस लॉकडाउन या जो फ्लाइट्स की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उनकी वजह से वो कनाडा जा नहीं पा रहे हैं, या फिर दे आर नॉट प्लानिंग इनफ, या फिर वो कुछ भी मतलब कर नहीं पा रहे हैं। दे आर लाइक कि हेल्पलेस हो चुके हैं एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू, कि वो कैसे करे, सब कुछ कब तक इंतजार करे एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो दिस वीडियो इज रियली बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही अच्छी गुड न्यूज देने वाली हूँ। एंड दैट गुड न्यूज इज दैट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इज गोइंग टू ईज द लाइक ट्रेवल मेजर्स। जो आप वहां पे जाते हैं या वहां पे जाना, उस चीज का फर्स्ट फेज उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि इफ यू वॉन्ट टू ट्रेवल टू कैनेडा फॉर एनी रीजन, तो जो वहां की गवर्नमेंट है वो अपने जो ट्रेवल मेजर्स हैं या कनाडा के बॉर्डर उन्होंने बंद किए हुए हैं, वो सारे रूल्स जो है वो ईज करने जा रही है। मतलब कि उनका फर्स्ट फेज स्टार्ट हो गया है, जिसमें वो आप लोगों को या जितने भी लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है बाकी कंट्रीज से जाना चाहते हैं कनाडा में फॉर एनी रीजन, उनके लिए रास्ते खोल रही है इन सिंपल वर्ड्स। और उसका फर्स्ट फेज मतलब स्टार्ट हो गया है, मतलब कि अब उसने फर्स्ट स्टेप ले लिया है कि वो आप लोगों के लिए रूल्स को थोड़ा ईज करे, आई मीन उसे थोड़ा आसान करे। सो इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इट इज ओनली पॉसिबल, ये तभी हो पाया बिकॉज कनाडा इज अ कंट्री जो कि बहुत ही जल्दी तरीके से, मतलब बहुत फास्ट तरीके से अपने लोगों को, अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर रही है, उनको वैक्सीन लगा रही है। दैट इज वाई ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। एंड कनाडा इज इन अ ग्रेट पेस, बहुत ही तेज स्पीड में लगी हुई है अपने सारी पॉपुलेशन को लाइक वैक्सीन लगाने में। सो देयरफॉर इट इज ओनली पॉसिबल कि आज मतलब ये न्यूज आई है कि जो कनाडा के जो रूल्स हैं वो ईज होने जा रहे हैं, द फर्स्ट फेज हैज स्टार्टेड। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को कनाडा जाने के लिए यू नीड टू बी वैक्सीनेटेड, आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन हुई होनी चाहिए। एंड 5 जुलाई से 2021 से ये स्टार्ट होने वाला है। एंड दूसरी बात ये भी है कि आपको प्रॉपर वैक्सीन अगर आपने ली हुई, एवरीथिंग इज लाइक योर एवरीथिंग इज कम्प्लीट, तो आपको वहां जाके हो सकता है कि क्वारंटाइन भी ना होना पड़े। मतलब कि वो क्वारंटाइन की रूल्स को भी थोड़ा सा रिलैक्स कर रही है। इफ यू हैव योर प्रॉपर सर्टिफिकेशन, आपके पास सब कुछ है, आपके पास लाइक हार्ड कॉपी है या सॉफ्ट कॉपी है दैट यू आर वैक्सीनेटेड एंड आपकी हर चीज कम्प्लीट है, सो इट इज लाइकली कि आपको क्वारंटाइन में भी मतलब थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल सकती है या बिल्कुल भी ना होना पड़े। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि गेट रेडी फॉर योर कनाडा। अगर आप लोग के ड्रीम है आप कनाडा जाना चाहते हैं तो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। आप अपनी अपनी फाइल्स रेडी कर ली एंड डोंट वेट, द वेडिंग इज ओवर, और गेट रेडी की ताकि आप लोग अपने आप को अपनी ड्रीम लैंड में देख सके। सो डोंट वेट एट ऑल और जल्दी जल्दी अपना सब कुछ रेडी कर लें। बाय बाय।